इनाम के नाम पर कस्टमर के साथ धोखाधड़ी का मामला। बड़े शोरूम खोलने वाले भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन गोरेगांव के रहने वाले जाकिर पटेल के साथ कुछ इसी तरह की घटना घटी। जाकिर पटेल ने एलजी कंपनी का 42 इंच का टीवी कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक रोड डी मार्ट के पास मलाड पश्चिम से 54,000 रुपए में फरवरी 2016 में खरीदा। इस टीवी की कीमत दो दिनों पहले 52,000 रुपए थी, लेकिन नई कीमत में कोहिनूर ने लकी ड्रॉ की स्कीम रखी थी। इस लकी ड्रॉ में जाकिर को स्क्रैच कार्ड कूपन दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि इसमें कार और बाइक से लेकर कुछ भी बड़ी चीज इनाम में निकल सकती है। स्क्रैच करने पर सिर्फ 250 रुपए का इनाम निकला। ये इनाम अप्रैल महीने में निकला। कोहिनूर के कर्मचारियों ने कहा कि इस राशि का चेक आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये सब झूठ साबित हुआ। मेरा नाम जाकिर पटेल है। मैंने कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स मला लिंक रोड ब्रांच डीमार्ट के बाजू में जो है वहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदा था, टीवी जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 42 इंच का है एलजी का। मुझे पहले उन्होंने प्राइस दिया था 52,000, तो मैं जब नेक्स्ट डे बाय करने गया तो उसका प्राइस 2,000 बढ़ गया, 54 हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको दूसरा अपडेटेड मॉडल दे रहे हैं और इसके साथ आपको एक साल एक्सटेंडेड वारंटी आएगी और एक स्क्रैच कार्ड कूपन आएगा जिसमें आपको कार बाइक होम थिएटर पक्का कुछ ना कुछ लगेगा। अब ये मैंने ख़रीदा था फरवरी 5 तारीख को 2016 में। अब मुझे एक्सटेंडेड वारंटी और स्क्रैच कार्ड कूपन के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी बार वहाँ गया, फ़ोन किया। उसके बाद में वो लोग ने मुझे अप्रैल 21 तारीख को स्क्रैच कार्ड कूपन दिया जिसमें 250 रुपये लगे और एक एक्सटेंडेड कार्ड वारंटी दिया। तो मेरे जैसे कितने कंज्यूमर हो गए जो ऐसे 2,000 बढ़ा के दे रहे और मिलता एट दी एंड कुछ नहीं, खाली वो लोग एक दिलासा देते थे कि आपको यही 100% लगेगा। टीवी कौन सी कंपनी की थी? एलजी कंपनी का है जी, 42 इंच का है। तो ये 250 रुपए के लिए महज एक 250 रुपए का जो कूपन है, हाँ, तो उसके लिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं नहीं सर, 250 रुपए की बात नहीं है, बात कमिटमेंट और एथिक्स की जी। मुझे भी पता आज की तारीख में 250 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, बट एक बात कमिटमेंट की, मतलब ये लोग ये 250 अगर मल्टीपल्स में करो कितने कस्टमरों के जाती है, मैं अपने आपको नहीं, मैं ताकि दूसरे लोग भी इससे बच जाए। 3 महीने होने के बावजूद 250 रुपए का चेक नहीं आया, जबकि जाकिर पटेल ने इस पैसे के लिए दर्जनों बार कोहिनूर के कर्मचारियों से बात की, लेकिन सबने उन्हें गोलमोल जवाब दिया। अच्छा, नहीं मेरे को 3 दिन पहले आपने फोन करवाया था ना नूर से कि आके लेके जाओ। हाँ, वो भी आया हो तो कहाँ रखे लोग, हमको मालूम नहीं गाँव गए, तो चलो फोन करके पूछ लो। तो मैं नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, हर्षद भाई ने कोई नवा आया वो बोलता है वो ऐसा दे ही नहीं सकते, आपका ये स्कीम वो स्कीम है, वो ये करके दिया वो करके दिया। चलो वो सब नहीं मालूम मेरे को, 3 चीज कमिट ट्यूजडे बोला था लेकिन वो ट्यूजडे चला गया, लेकिन आपके साइड से फ्राइडे फोन आया था कि आ जाओ, मैं आ नहीं पाया, या संडे जो भी होगा, शायद संडे था। इस विषय में जब हमारे संवाददाता ने कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स से आधिकारिक रूप से बात करनी चाहिए तो उनके ब्रांच मैनेजर अमित पावले ने कहा कि मीडिया बड़ी खबरों को छोड़कर इस मामले में क्यों आ गया, अब उनको कौन बताए कि ये मामला वादा खिलाफी का है। कोहिनूर ने अपने बोर्ड पर सीक्रेट सेल लिखा रखा है, अब उनसे कौन पूछे कि आपके सीक्रेट सेल का मतलब कस्टमर से किए गए वादों से मुकरना है या फिर कुछ और। राज बिंद्रा, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।